नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। दोस्तों आज हम बात करेंगे फेफड़ों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी इम्पोर्टेंट डिजीज हेमोप्टाइसिस के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में खांसी में खून भी कहा जाता है। और इस बीमारी की जानकारी आज हमें देंगे जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी चेस्ट फिजिशियन इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश गोदारा। और डॉक्टर राकेश गोदारा सर आज हमें बताएंगे कि हेमोप्टाइसिस खांसी में खून के क्या कारण होते हैं, किन जांचों से इन कारणों का पता लगाया जाता है और बीमारी की गंभीरता का भी पता लगाया जाता है, और साथ में हम जानेंगे हेमोप्टाइसिस का क्या इलाज होता है। तो चालू करते हैं दोस्तों आज का डिस्कशन डॉक्टर राकेश गोदारा सर के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश गोदारा, सीनियर चेस्ट फिजिशियन एंड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे श्वास रोग संबंधी एक मुख्य बीमारी के बारे में, जिसको कि हेमोप्सिस कहते हैं, या सामान्य भाषा में खांसी के साथ रक्त का आना या खून का आना। हेमोप्सिस या खांसी में खून आना एक गंभीर बीमारी है जो कि जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए इसे किसी भी स्थिति में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर खांसी में खून आ रहा हो तो आप तुरंत नज़दीकी अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में संपर्क करें, क्योंकि यह एक इमरजेंसी की स्थिति होती है और आप विशेषज्ञ, जो कि श्वास रोग विशेषज्ञ होते हैं या चेस्ट फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे आप संपर्क करें, जो इसके कारणों के निदान के बारे में, उपचार के बारे में आपको सलाह दे सकते हैं। हेमोप्सिस के कारण क्या हैं? हेमोप्सिस या खांसी में खून आना, जिसके कि कई कारण होते हैं, जिनमें कि हमारे भारत में सबसे मुख्य कारण ब्रोंकाइटिस या ट्यूबरक्लोसिस है। टीबी जैसे कि विदित है कि एक तरह का श्वास रोग है जो कि फेफड़ों के संक्रमण के कारण होता है और जिससे कि खांसी में खून आ सकता है। अन्य कारणों में लंग कैंसर, निमोनिया, ब्रोंकेक्टेसिस या अन्य बीमारियां हो सकती है, जैसे कि फेफड़ों की नली के अंदर गांठ, ट्यूमर या फेफड़ों के अंदर कोई फॉरेन बॉडी लाइक पिन या कोई सुपारी, उनके चले जाने से भी फेफड़ों से खांसी में खून आ सकता है। कई अन्य कारण भी होते हैं जो कि असामान्य रहते हैं या रेयर होते हैं, जिनमें कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता है या हृदय रोग भी कई बार खांसी में खून का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा कई बार खून पतला करने की दवाइयाँ या अन्य बीमारियाँ, जिससे कि शरीर में खून पतला होता है, उससे भी खांसी में खून आ सकता है। जैसा कि सभी बीमारियों में होता है कि लक्षण होने के बाद डॉक्टर आपकी विस्तार में हिस्ट्री लेते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि यह बीमारी किन कारणों से हो सकती है, और उसके साथ में कुछ आवश्यक जांचों की सलाह देते हैं, जिसमें कि सबसे मुख्य जांच जो है बलगम की होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे मुख्य कारण ट्यूबरक्लोसिस है, जिसमें कि बीमारी की शुरुआत में या बीमारी के इलाज के दौरान या बीमारी ठीक होने के बाद भी फेफड़ों के पुराने घावों से भी खांसी में खून आ सकता है, इसलिए हम लोग बलगम की जांच के लिए सलाह देते हैं, जो कि एक सामान्य जांच होती है, जिसमें कि टीबी के कीटाणु के बारे में पता लग सकता है। बलगम के अलावा अन्य ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी एडवाइस किए जाते हैं, जिनसे कि खांसी में खून आने के कारणों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर सीटी चेस्ट भी एडवाइस करवा सकते हैं, जिसमें कि खांसी में खून आने के कारणों को जानने में मदद मिल सकती है, और साथ में श्वास नली में गांठ या अन्य कारणों को भी सीटी में ज्ञात किया जा सकता है। इनके अलावा खांसी में खून आने के कारणों की जांच के लिए कुछ केसेस में ब्रोंकोस्कोपी या दूरबीन से फेफड़ों की जांच की भी आवश्यकता पड़ सकती है। हेमोप्सिस या खांसी में खून आना, इसका इलाज कैसे किया जाता है? हेमोप्सिस के लिए सबसे मुख्य बात यह होती है कि खांसी में खून आने से खून श्वास नली को अवरोध कर सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान मुख्य रूप से रखना होता है, और सबसे पहले मरीज को इमरजेंसी के अंदर उनके बेसिक इन्वेस्टिगेशंस और लैब पैरामीटर्स एंड वाइटल्स को चेक करना होता है। हेमोप्सिस के इलाज को हम मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, जिसमें कि वो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है जिससे कि खांसी कम हो, तो जिससे कि खून आने की प्रवृत्ति कम हो, जिसमें कि कॉफ सप्रेसेंट मेडिकेशंस इन्वॉल्व होती है। दूसरे नंबर पे ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसको हम BAE बोलते हैं, यह एक तरह की इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, जिससे कि फेफड़े के पर्टिकुलर भाग जहाँ से कि रक्त स्राव हो रहा है, उस भाग को जाने वाली ब्लड सप्लाई को एम्बोलाइज करके रोका जाता है। यह विधि 80-85% तक लाभकारी होती है, जिससे कि रक्तस्राव को रोकने में मदद मिल सकती है। तीसरा जो मुख्य इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजी का भाग है, ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी दो प्रकार की होती है, फ्लेक्सिबल और रिजिड। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, जिससे कि ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से हेमोप्सिस के कारणों के निदान के साथ साथ उनको कुछ हद तक ठीक करने में भी आप मदद कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी का एक महत्वपूर्ण स्थान है
हिमोप्सिस के कारणों को जानने में और इसके कुछ हद तक निदान में भी। ब्रोंकोस्कोपी हम डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब हमें खांसी में खून आने के कारणों का पता नहीं चल पा रहा हो, तब हम फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप से फेफड़े के अंदर जाके सैंपल ले सकते हैं और उनको सभी संभावित इन्फेक्शंस और अन्य जांचों के लिए भेज सकते हैं, जिससे कि हमें खांसी में खून आने के कारणों का पता चल सकता है। डायग्नोसिस के साथ ब्रोंकोस्कोपी हिमोप्सिस के कारणों के निदान एवं उपचार में भी लाभकारी और उपयोगी है। अगर श्वास नली में ट्यूमर के कारण खांसी में खून आ रहा है, तो उसके लिए इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट रिजिड ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से उस गांठ को निकाल सकते हैं और कॉटरी या एपीसी की मदद से या लेजर थेरेपी के माध्यम से वहां पे ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ केसेस में एंडोब्रोंकियल स्टेंट डालकर भी हिमोप्सिस पर कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ केसेस में जब खून फेफड़े के किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट से आ रहा होता है, जैसे कि बाएं या दाएं फेफड़े से और या उसके ऊपर या नीचे वाले भाग से, और फेफड़े में हमें कोई गांठ या कोई घाव नहीं दिख रहा है, जब हमें पता है कि ये खांसी में खून किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट से आ रहा है, तो लाइफ सेविंग मेजर के लिए जब ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन काम नहीं कर रहा है, तो आप पर्टिकुलर उस सेगमेंट को ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से ब्लॉक कर सकते हैं, जिसे हम एंडोब्रोंकियल एम्बोलाइजेशन बाय सिलिकॉन स्पिगॉट बोलते हैं, जिसमें कि आप एक विशिष्ट तरह के स्पिगॉट या ब्लॉकर होते हैं, जिन्हें कि आप पर्टिकुलर एक सेगमेंट में डालकर उस सेगमेंट को फेफड़ों के अन्य भाग से अलग कर सकते हैं, जिससे कि वहां से आने वाला रक्त फेफड़े के अन्य भाग में ना फैले और श्वास नली को अवरोध ना करे। इससे फेफड़े के अन्य भागों में रक्त नहीं फैलता है और मरीज को श्वास लेने में तकलीफ नहीं होती है और उसकी जान बच सकती है। यह एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है, जब तक कि आप अन्य स्थायी तरीके या स्थायी जो ट्रीटमेंट है वो आप ना कर लें, जैसे कि सर्जरी या ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन या अन्य तरीके या अन्य ट्रीटमेंट जिसके लिए हिमोप्सिस हो रहा हो। आखिरी में मैं आपको कुछ मुख्य इंस्ट्रक्शंस बताना चाहूँगा, जैसे कि जब आपको खांसी में खून आ रहा हो या किसी मरीज को खांसी में खून आ रहा हो, तो तुरंत आप क्या करें। सबसे पहले आप रेस्ट करें, अधिक भार वाला काम ना करें और क्षतिग्रस्त फेफड़ा जो है या प्रभावित साइड वाला फेफड़ा है उसे नीचे की साइड में रखें, जिससे कि सामान्य फेफड़े में ब्लड ना आए। और अगर मरीज कोई सांस की किसी अन्य समस्या के लिए पहले से इनहेलर ले रहे हैं, तो इनहेलर ना लें, क्योंकि इनहेलर लेने से खांसी बढ़ेगी और उससे खांसी में रक्तस्राव अधिक हो सकता है। और अगर आपके पास में कोई कॉफ सप्रेसेंट या खांसी कम करने वाली दवाई हो, तो आप उसे ले सकते हैं। ये प्रारंभिक उपचार आप घर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद तुरंत आप अपने नज़दीकी अस्पताल में संपर्क करें और डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर राकेश गुदारा, जिन्होंने हमें हिमोप्टाइसिस खांसी में खून से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। डॉक्टर राकेश सर से आप हिमोप्टाइसिस इसके अलावा दूसरी फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं। और दोस्तों, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल द डॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।